हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, एनआरसी का जो एडिशनल ड्राफ्ट है, मतलब अतिरिक्त खसरा जो है पब्लिश होने वाला है, तो आप सभी लोगों को पता होगा ये जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो पहले 15 जून को पब्लिश होने वाला था, लेकिन उसका डेट चेंज होकर अब 22 जून को पब्लिश होने वाला है, होने का संभावना है। तो उस लिस्ट में, मतलब इसका कहते हैं कि इस लिस्ट पे अगर आपका नाम आएगा तो आपका नाम जो है फिर से आपको जो है क्लेम करना पड़ेगा। तो कितने दिन मिलेगा और किन किन लोगों का नाम आएगा, तो मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया था, वह बताया था कि डीबी मतलब डी वोटर, डीबीडी, पीएफटी, पीएफटीडी, उन लोगों का नाम और जिनके लोगों का अगेंस्ट नाम के अगेंस्ट जो है ऑब्जेक्शन हुआ है, तो उनका नाम उस लिस्ट पे आएगा, आने का संभावना है। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम उस लिस्ट पे आने का संभावना है, जिन्होंने वीक डॉक्यूमेंट्स दिया है। तो वीक डॉक्यूमेंट्स के अंदर अंदर किन किन डॉक्यूमेंट्स पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख लेना और देखते देखते प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए तो एनआरसी के बारे में छोटे बड़े अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा के रख लीजिए ताकि अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीक डॉक्यूमेंट्स जो है उसके अंदर पड़ता है पैन कार्ड, गांव बूढ़ा का सर्टिफिकेट जो है वो है, स्कूल सर्टिफिकेट, लेट बर्थ सर्टिफिकेट और जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपने आप दिया है तो पूरा जान लीजिए। उसके साथ साथ अगर आपका वंश वृक्ष मतलब फैमिली ट्री में अगर प्रॉब्लम है और आपने ऐसा डॉक्यूमेंट्स दिया है तो आपका नाम उस लिस्ट पे मतलब 22 जून को जो पब्लिश होने वाला है जो लिस्ट, उसमें आने का संभावना है। तो अगर आपका जो है फैमिली ट्री में प्रॉब्लम है, वंश वृक्ष में जो है कुछ गड़बड़ है, लिगेसी आपने जो है आपका लिगेसी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर लिगेसी गलत है तो आपका नाम 22 जून का जो ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने वाला है, जो एडिशनल ड्राफ्ट लिस्ट है, उस पर आने का संभावना है। तो अगर आपका इस लिस्ट पे नाम आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो 15 जून को जो ये जो लिस्ट जो है पब्लिश होने वाला था उसमें बताया गया कि 15 दिन आप लोगों को दिया जाएगा जो है क्लेम करने के लिए। लेकिन 22 जून को जो इसका डेट चेंज हुआ है उसके बाद कितने दिन मिलेगा और आपको कैसे जो है क्लेम करना है और किस किस डॉक्यूमेंट के साथ क्लेम करना है, इसके बारे में अभी तक जो है कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। लेकिन आपने अगर आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो दिया है वो वीक है या आपका फैमिली ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, लेगेसी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पहले से ही अपना कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो मेन डॉक्यूमेंट्स हो उसको कलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि उस लिस्ट पर अगर आपका नाम आए 22 जून का लिस्ट जो है उस पर अगर आपका नाम आए तो आप जल्दी से जो है क्लेम करने का आपको मौका मिले। तो अगर कुछ भी अपडेट आए इसके बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को जितना हो सके हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में ही अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों जरूर शेयर करना और चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब करके बाजू का बेल दबा के रख लेना। तो आज की वीडियो में ही था, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।